नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 7.2 इसका प्रश्न 2 हम करने जा रहे हैं। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। बच्चों समत्रिभाजित मतलब तीन बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों आप प्रश्न समझिए, ये एक बिंदु है और ये भी एक बिंदु है। इस बिंदु का नाम मान लीजिए है ए और इस बिंदु का नाम है बी। इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला यह रेखाखंड है, ठीक है बच्चों। अब इसे समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदु देखिए ध्यान से, तीन बराबर भागों में बांटना है। तो ये देखिए, ये तीन बराबर भागों में, मान लो ये बराबर इसके और बराबर इसके हैं, तो तीन बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु, इस बिंदु का नाम ले दो P और इस बिंदु का नाम लिख दो Q। अब यदि बच्चों ध्यान से समझिएगा इसको कि यदि यह तीन बराबर भागों में है, इसका मतलब यह भाग इस भाग के बराबर है और यह भाग इस भाग के बराबर है। इसका मतलब इनका अनुपात होगा 1:1:1, यानी 1:1:1, तीनों बराबर भाग हैं, एक भाग यह है, एक भाग यह है और एक भाग यह है, ठीक है बच्चों। ए के निर्देशांक हैं 4, -1 और बी के निर्देशांक हैं -2, -3। ओके बेटा, अब बच्चों इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप ये मानिए कि क्यू बिंदु नहीं है, मान लेते हैं कि यह क्यू बिंदु नहीं है। तो आप सोचो, ए बिंदु के निर्देशांक दे दिए गए हैं, बी के निर्देशांक दे दिए गए हैं और पी बिंदु दिया गया है। इस तरफ है एक भाग और इस तरफ कितने भाग हो गए बेटा, देखो एक भाग ये है, एक भाग ये है। यदि ये क्यू भाग नहीं है तो ये दो भाग हो गए और ये एक भाग हो गया, समझे बच्चों। टोटल तीन भाग है, पी बिंदु तक एक भाग है, पी बिंदु से आगे कितने भाग हो गए, एक और एक दो भाग हो गए। इसका मतलब यदि ये क्यू बिंदु नहीं है तो ये इधर ए पी है एक भाग और पी बी है दो भाग, यानी 1:2 इनका अनुपात होगा। आइए अब हम इसे करते हैं। विभाजन सूत्र के अनुसार बिंदु P के निर्देशांक हैं, याद है आपको विभाजन सूत्र बेटा, m1 × x2 है ना बेटा। तो देखिए m1, अगर ये क्यू बिंदु नहीं है तो m1 है एक और m2 होगा 1+1 2, ठीक है बेटा। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, m1 × x2 + m2 × x1 / m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2, ठीक है बेटा। तो देखिए इस केस में Q नहीं है तो m1 होगा 1 और m2 होगा 2। तो m1 है 1 × x2 यानी ये वाला, ये है -2 प्लस m2 है 1 और 1 2 इंटू x1 होगा 4 / m1 + m2। इसी प्रकार से m1 y2, m1 है 1 × y2 दूसरे बिंदु में y का निर्देशांक जो कि है -3 प्लस m2 है 1 और 1 2 इंटू y1 पहले में y का निर्देशांक जो कि है -1 / m1 + m2। इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक आएंगे। आइए देखते हैं, 1 × -2 होगा -2 प्लस 4×2 = 8 / 2 और 1 = 3 / -3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2×2 / 2+1 = 3। तो बच्चों देखिए इसे हल करो,
माइनस दो प्लस आठ होता है छः, छः बटा तीन कोमा माइनस दो माइनस तीन हो जाएगा माइनस पाँच बटा तीन। इसमें से क्या कुछ कट सकता है, देखिए ये तीन छः के साथ कट जाएगा, तीन एकम तीन, तीन दुनी छः। इसका अर्थ है कि हमारे पास ये आ गया दो कोमा माइनस पाँच बटा तीन। ये आ गए हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, तो इसे हम एक बॉक्स में रख लेंगे। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु Q के निर्देशांक बेटा देखिए विभाजन सूत्र वही रहेगा, m1 into x2 plus m2 into x1 plus बटा m1 plus m2 कोमा m1 y2 plus m2 y1 बटा m1 plus m2, विभाजन सूत्र तो यही रहेगा। लेकिन फर्क क्या आएगा, अब अगर आप Q बिंदु ले रहे हैं तो P को भूल जाइए। तो देखिए A के निर्देशांक यही हैं, B के निर्देशांक यही हैं, P को भूल गए तो Q से पहले एक और एक दो भाग हो जाएंगे, Q के बाद एक भाग होगा। इसका मतलब AQ हो गया दो, यानी M1 हो गया दो, M2 हो गया एक। पहले हमने M1 लिया था एक और M2 लिया था दो, अब इसके उल्टा हो गया क्योंकि Q से पहले हो गए अब दो भाग, बाद में है सिर्फ एक भाग, तो अब रेशियो होगी 2:1। तो ये हो जाएगा M1, M1 है एक और एक दो इंटू X2, X2 है माइनस दो प्लस M2, M2 है अब 1 इंटू X1 हो जाएगा 4 बटा M1 प्लस M2 कोमा। इसी प्रकार से Y निर्देशांक M1 होगा 2 इंटू Y है माइनस तीन, M1 है 2 इंटू Y है माइनस तीन प्लस M2 है 1, ये वाला 1 और y1 है माइनस वन बटा m1 प्लस m2 जो कि है दो और एक। इसे अब हम हल करेंगे तो हमारे पास Q बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। देखिए दो को माइनस दो से गुना करेंगे तो आएगा माइनस चार प्लस चार बटा दो प्लस एक तीन कोमा दो इंटू माइनस तीन होगा, तीन दूनी छः और सात में साइन माइनस का माइनस छः प्लस इंटू माइनस माइनस एक एकम एक बटा दो प्लस एक होता है तीन। इसे हल करते हैं, माइनस चार प्लस चार होगा जीरो बटा तीन कोमा माइनस छः कोमा माइनस एक हो जाएगा माइनस सात बटा तीन। जीरो को तीन से भाग कर देंगे तो वो आ जाएगा जीरो कोमा सात बटा। तो इस प्रकार से यह हमारे पास बिंदु Q के निर्देशांक आ गए। तो यही बच्चों हमारा प्रश्न था। हमारा प्रश्न क्या था कि दो बिंदुओं को समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदु हैं P और Q, इन दोनों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने P का निर्देशांक यहाँ पर और Q के निर्देशांक यहाँ पर हमने ज्ञात कर दिए हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और इस प्रश्नावली के बाकी वीडियोस को, बाकी प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।